क्या नाम क्या है आपका? मनजिंदर कौर, की नाम या तो डिपेंड था कक्कड़, कक्कड़ ए राजस्थानी रोड कक्कड़ मांझे बॉर्डर नहीं लागे। बॉर्डर। अच्छा है, बॉर्डर की साइड है। आपका जो हस्बैंड था आपके पति, कब कितने साल हो गए उसे नशा करते? जदों दी मैं व्याही उदों दा पींदे, पर थोड़ी थोड़ी पींदे ते मुड़के उदा काम दिनों दिन वधदा बहुत जांदा है। ज्यादा हो गई। आपकी शादी को कितने साल हो गई? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ जी। और जब से आपकी शादी हुई तब से आपका हस्बैंड नशा करता था, शराब पीता था, हाँ जी और अब उसका नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ जी। क्या बढ़ गया था? नशा कितने महीने, कितने साल पहले? अभी मान लो मे भी 1 साल सोचे। हाँ जी। हाँ 1 साल, अभी 1 साल पीछे जाए 10 साल, तो इतना ज्यादा बढ़ गया था जैसे मान लो रात दिन ही। और ये इतनी परेशान थी, क्या थी ये? इतनी परेशान थी ये बहन कि ये कहती, अब देखो इसकी मदर पीछे है और वो रो रहे हैं। ये इतनी परेशान थी कि ये कहती थी अपने माता पिता को, मुझे कहां पर आपने मेरी शादी, जैसे कहती ना पंजाबी में, मुझे डबो दिया, कहां पे मेरी शादी? क्योंकि माता पिता जो अच्छे संस्कार वाले बच्चे होते हैं ना, वो माता पिता की मर्जी से शादी करते हैं, मगर ऐसे भी होते हैं जो माता पिता की परवाह से अपनी मर्जी से भी करते हैं, है ना? पर इसने जहां पर इनके माता पिता ने शादी की इसने कर ली, और जब इसे पता चला तो ये अपनी किस्मत को रोती थी। क्या रोती थी? कहां पर मेरी शादी होगी, कैसा बंदा मुझे मिल गया। बोलो आप रोज रोज उन चीजों को लेकर क्या सोचते थे, मेरा क्या होगा आगे जाकर? मैं वो कहनी हां भी परमेश्वर, मैं अपने मां प्यो नु नहीं दसना, मैं ताडे ना गल नहीं, करनी। परमेश्वर तो आज आपके मुंह में आया ना, पहले क्या सोचते थे? आपको कितना टाइम हुआ प्रभु में आए हुए? अभी 2 महीने हो चले, दूजा लग गया। इस मिनिस्ट्री से आने से पहले आप किसी और चर्च में गए कि डायरेक्ट इसी चर्च में आए? नहीं इतने आए, सिर्फ इन्हें 2 महीने हुए अभी। क्या हुए? 2 महीने। आप इसलिए आप पहले तो परमेश्वर में पहले की बात बोल रहा हूं कि पहले आप क्या सोचते थे अपने जीवन के बारे कि क्या होगा मेरा? मैनू मेरी मम्मी फोन च दसदे हुंदे ही मेरा उदो ही मन हो गया ही, ते मैनू विश्वास नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले की बात बता रहा हूं कि शुरू से ये बताते थे। शुरू से मैनू एहो लगदा है कि इन्हें छड्डनी नहीं, एदा हाल एहो रहना। और आपके मन में क्या क्या विचार आते थे? विचार भेड़े हुंदे ही के कैसे भी, जैसे इस जीवन से जीना तो मैं मर जाऊं तो वो अच्छा है, ऐसे विचार भी? हाँ, इदा कहनी हुंनी हां जदों मैं लड़दी हुंनी हां कि जां इहनूं मार दो जां मैनूं मार दो परमेश्वर। ऐसा इसका जीवन था। क्या था? ऐसा इसका जीवन था। अब देखो तू जिसको आज आप प्रभु बोस ले रहे थे ना, अगर हम खाते पीते लिखा उसकी देह को पहचाने ना, उसे जाने ना, वो क्यों मारा गया और गाड़ा गया, क्यों उसने इतनी दुख तकलीफ को सहा? मानो अगर इसके जीवन में यीशु मसीह ना आते तो शायद थोड़ा समय और शैतान से खत्म भी कर देता, क्योंकि बहुत से जो सुसाइड लोग करते हैं, हाँ, जो लोग वो खा लेते हैं ना जहर की चीजें भी खा लेते हैं, वो तंग आकर करते हैं, और ये सब कुछ शैतान, मतलब जो पाप है हमारे ब्लड में, जिसके लिए यीशु ने अपना पवित्र ब्लड बहाया, वो ये काम कर रहा है। इसलिए कोई इंसान बुरा नहीं है, बोलो कोई भी इंसान बुरा, पर वो पाप के कारण उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है? जैसे इसके पति को कर रहा है। अब इसने सत्य को जाना, हा? क्या जाना इसे? इसने सत्य को जाना कि सच्चा कौन है, किसने मेरे पाप के लिए अपना जीवन दिया है, जैसे जाना, और आज उसमें जीवन है, क्योंकि उसके लहू में जीवन है ना, इसे जीवन मिला और जीवन की खुशियां मिली। क्या मिली है? जीवन मिला और जीवन की खुशियां मिली, और आपके सामने। और ऐसे कितने लोग हैं, बोलो क्या है, कितने लोग हैं आज? खुश हो ना? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप खुश हो आज? हाँ जी, बहुत ज्यादा खुश है। अब देखो इनके चेहरे से पता लग रहा है कि ये खुश है, क्योंकि एक आशा है, यीशु मसीह का आशा का नाम है।
क्या एक मेरे बच्चे भी उन बड़ा खुश है कि मेरे डैडी ने शराब छोड़ दी है। तारीफ करो उस खुदावंद के लिए जोर से। हाँ, कितने साल के बच्चे हैं आपके? एक दहाँ साल ना था, एक नौ साल। अदब इतनी छोटी इसमें जब बच्चे देखेंगे अपने पिता को उस हालत में लड़ते इनके साथ मारते तो क्या उनका जीवन क्या है? समझ आ रही? इसलिए ये उसने हमें जीवन दिया है। तारीफ करो जोर से, जोर से। आमेन, हालेलुया।